तो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। अब शॉपिंग किस चीज के लिए है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम लोग कल है बसंत पंचमी, तो हम लोग जा रहे हैं बसंत पंचमी के लिए पतंग लेने। अब पतंग लेने में अकेला तो जाता नहीं, तो मेरे साथ आया है मेरा साथी, परमानेंट साथी। हेलो करो, हाय गाइस। तो हम लोग दोनों के जा रहे हैं अभी पतंग लेने। मेरे दोस्त का फोन आया कि भैया हमारे यहाँ से, मेरा जूनियर है वो, उसने लगाई भी है, स्टॉल वगैरह लगाया हुआ है। तो उसका मेरे पास फोन आता है कि भैया आ जाओ हमारे पास से ले लो यार पतंग। तो मैंने कहा कोई नहीं, चल हम आ रहे हैं। सो आप लोगों, आप लोग क्या 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 कैसी कैसी पतंग है क्या है उससे भी मिलवाऊंगा मैं। शायद वो मेरा सब्सक्राइबर है ऐसा मुझे लगता है, बाकी देखता है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है भाई, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ रही है। अरे नहीं, अरे ये ज्यादा बोल रहा है। अरे हाँ, इग्नोर करना मुझे भी, अच्छे भी चलो। अगर इग्नोर मत करना गाइस, वरना फिर व्यू कहाँ से आएंगे यार। इग्नोर कर देंगे तो व्यूज कहाँ से आएंगे। सही है। चलो मिलते हैं आपसे फिर लोकेशन में पहुंच के। सो हम लोग आ चुके हैं इसकी दुकान पे। मेरा जूनियर ने लगाई हुई है, रामनगर में लगाया हुआ है इसने पूरी दुकान पे। लो इससे मिल लो मदान। हेलो करो, हेलो गाइस। अपनी दुकान का बता भाई। भाई हमारी दुकान है रामनगर रुड़की कई नंबर 4 के सामने, और आपके यहाँ पे सारा माल मिलेगा, सारा माल A to Z सारी पतंगे। हाँ। फिलहाल तो इन्होंने कुछ तो लगाई हुई है, कुछ इनका माल अभी ऑन द रोड है, अभी आ रहा है जस्ट। बाकी जैसा भी होगा अभी हम कल दोपहर में फिर आएंगे, अगर मिल जाती है तो बेस्ट है, अदरवाइज नहीं तो बेस्ट मिल जाती नहीं, मिलेंगी मिलेगी। थोड़ा सा गारंटी के साथ भाई, गारंटी भी दे रहा है। तो अगर किसी को गारंटी चाहिए तो मिल लो, इसकी शक्ल नोटिस कर लो, अगर किसी को गारंटी चाहिए तो गारंटी भी देता है। सो हम लोग आ चुके हैं इनकी दुकान पे दोबारे से। हम रात में आए थे, कल रात इसने भाई ने कोई पतंग का नया माल लेके आया भाई। लो भाई मेरे सब्सक्राइबर से मिल लो, सब हेलो करो भाई। हेलो नितिन, डर नहीं रखा भाई। कैसा लगा मेरा मजाक? ये वही आदमी है जो खाली कह रहा है मेरे से दोस्ती निभाता है, ये मेरे जूनियर है, सारे जूनियर है मेरे भाई। कर रखा भाई, इससे मेरा अलग प्यार है स्कूल से, ये स्कूल टाइम से अलग प्यार है। ये अगर सब्सक्राइब ना करता मैं इसके मारता। हाँ भाई मदान जी, आ गया नया माल, कल रात तो था नहीं, आप बताओ नया माल कहाँ है? माल आके दोबारा चलाएगा, तुम लेट हो गए, अब बताओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अबे आ रहे सब के, अब आ जाओ फिर तुमको दिखाता हूँ। आओ भाई इसके के नाम है सामान देख ले पहले तो। A few moments later. क्या कह रहा था कि एक लेके जाता था 6 बना के लाता था, क्या क्या है ये सिस्टम? वो लेके जाता था टैलेंट, कहता टैलेंट, उसे टैलेंट कहते हैं। कहाँ गया था तू लेके पतंगे? पतंगे छत पे ही, फिर वो दोबारा कटती थी, फिर दोबारा आती थी। लूटने का ज्यादा शौक है आपको? नहीं दिखा दे भाई शौक अपना, इसने पीछे छुपा रखी भाई। यू कह रहा सो ये मुझे भी कह रहा कि भैया पीछे भी रखे, मैंने कहा हमें पीछे रखी हुई तो नहीं मार दी तुमने, पता चला। ओह लो देखो भाई लूटी हुई पतंगे, इनके यहाँ पर लूटी हुई पतंगे भी बिकती हैं, दिखती हैं। अरे भाई यार ऐसा 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 दुकानदार हर जगह होना चाहिए जो सामान भी बेच रहा और खाना भी बेच रहा। प्यार है प्यार। थोड़ी देर में पता चला पैसे लगा दिए भैया, 5 पकौड़े हो गए आपके, फालतू लगा के दिया है ना। वही तो लगा रहा हूँ, पता चला भैया हम चलने लगे, सपोज करो हम चलने लगे बैठे, भैया 20 रुपए रह गए, किस चीज के पकौड़े नहीं खाए आपने? नितिन पतंग ले ली आपने? हाँ भाई। इन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया आपको? कुछ नहीं दिया, सारे लूट रहे साले, लूट रहे देख ये बैठे, मोटा मालिक मोटा। मैं क्या डिस्काउंट दिया मैंने पूछा भाई, ये बोला झूठ। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं देखो, अरे यार भैया माफ कर दो, गलती हो गई भैया। भाई झूठ बोल रहा, गलती हो गई, झूठ बोल रहा ना। अरे कैलकुलेटर देखो, देखो भाई कैलकुलेशन देख लो भाई। भाई गलती भाई, ये नितिन आदमी शुरू से खराब है, ये आज से ही शुरू से खराब है ये आदमी। ये भाई ये रख लो। हम लोगों ने पतंग ले चुके हैं, बनाने में मस्त एकदम सबसे बढ़िया प्राइस लगा के दिया। बाकी मदान को बहुत बहुत शुक्रिया भाई, तुमने दुकान लगाई यार, आज भी 15 दिन पहले लग गए, तुम लेट आए रोज कर लिया।
इसमें कौन सा रूट लगाओ याद नहीं आ रहा, गलती मैंने कर दी अगले की। चलो यार थैंक यू सो मच भाई मैदान, थैंक यू बहुत बहुत। चलो सो हे गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी छत पे। भैया हमें क्या नाम है, अभी जस्ट हम पतंग लेके आए थे, आपको क्या नाम है वीडियो में दिखी जाएगा हमने कैसे कैसे पतंग सेलेक्ट करी। वहाँ थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग छत पे आए फटाफट, खाना अभी तक खाया नहीं है, खा लेंगे खाना, क्या बात है, शाम वाम में खा लेंगे। सो अभी हम लोग छत पे आ तो चुके हैं, ये देखो जय श्री राम जी, जय श्री राम। पता नहीं मैं जब वीडियो बनानी शुरू करी तो सारी पतंग नीचे की उतर गई, मुझे तो दिख नहीं रही एक भी। बाकी कमेंट डाउन कर देना अगर आप लोगों को दिखी हो तो बता देना आप लोग। और अभी हम लोग इसका स्पीकर का भी सेटअप कर रहे हैं, वो भी जरूरी है, ये हमारे सेटअप एक्सपर्ट। हेलो कर दो भाई, कौन कराए। चलो अभी आप लोगों को करते हैं एंजॉय। भाई मैं अभी तो खड़ा था, ये बच्चे लाए लूट के पतंग, कह रहे लो भैया लो उड़ा लो, मतलब मेरी तो इज्जत ही नहीं है, मतलब अब दो दो चश्मे तो वैसे ही ला रखे मैंने, एक चश्मे में दिख नहीं रहा। भाई ये कह रहे बच्चे ला के मुझे, लो भैया ये वाली उड़ा लो, आपके वाली लूटेगी। हाँ पकड़ो चरखी पकड़ो, ये वाइट वाली है इसकी प्रणय की, देखना किस तरीके से कटवाएगा अपनी पतंग को। मैं सब दिखाऊंगा आपको। दोबारा से कन्ने बांध रहे हैं, ये देखो मेरे प्रोफेशनल कन्ने बांध। भाई मुझे बिल्कुल सच्ची में उड़ानी उड़ानी आइए मेरी गर्दन काटते हैं। ये देखो पतंग बाज पतंग लूटने जा रहा है, मतलब इतनी पतंग होने के बावजूद भी अगला मालिक लूटने जा रहा है, वो कह रहा कि लूटी पतंग का एक अलग ही मजा है। वो देखो कह रहा चुपके दबे पाव जा रहा है बंदा, मिशन सक्सेसफुल। तो अभी हम लोगों ने शाम के 5:30 5:30 बज गए, सुबह से लगे पड़े थे, ठीक है उड़ा ली पतंग, उड़ा ली सब चीज कर ली। अब मैं बहुत थक गया, मेरा राइट हैंड भी बहुत दुख रहा है क्योंकि काफी पतंग भी उड़ाई, थोड़ी सी चरखी भी पकड़नी पड़ी भैया की हेल्प करी है ने। पर अब भाई कसम से एग्जॉस्ट हो गया हाथ की, अब ठीक है यार बस चलो घर चलो, नींद भी आ रही। मैं आज सुबह जिम भी गया था उठ के, स्ट्रगल। चलो फिर इसी के साथ ब्लॉग खत्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, प्लीज सपोर्ट करो गाइज। और नेक्स्ट ब्लॉग जो भी चाहिए वो आप प्लीज कमेंट डाउन कर देना, मैं वो अगला ब्लॉग बनाऊंगा। ओके टाटा बाय बाय।